दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर देश विरोधी नारे लिखने के बाद हड़कंप मच गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों भी जो हैं वो हरकत में आ गई हैं। इस बीच सभी स्लोगन को मिटा दिया गया है। अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि इसके पीछे किसका हाथ है। ये वहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो रेलवे स्टेशन पर, जो मेट्रो रेलवे स्टेशन है, मेट्रो रेल जहां चलती है, वहां पर जो स्लोगन लिखे गए थे अब उसे मिटा दिया गया है। जांच एजेंसियां भी हरकत में आ गई है। वरुण जैन की एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी के ऊपर है। G20 से पहले राजधानी दिल्ली के पश्चिम इलाके में कई एंटी नेशन स्लोगन जो है वो मेट्रो स्टेशन पर लिखे गए हैं। इस वक्त हम शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन पर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खालिस्तानी आतंकियों की तरफ से जो ये स्लोगन्स लिखे गए थे अब फिलहाल उनको सफेदी लगाकर मिटाया जा रहा है। सिर्फ एक शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन नहीं, दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि जो पश्चिमी दिल्ली का इलाका है यहाँ पर ऐसे करीब 5 मेट्रो स्टेशन हैं जहाँ पर देर रात को एंटी नेशन जो स्लोगन्स हैं वो लिखे गए हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो खालिस्तानी आतंकी हैं उनकी जो गलत मंशा है वो साफ नज़र आ रही है। और G20 पर जिस तरीके से अलग अलग देशों के जो प्रमुख है वो हिंदुस्तान पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं एक जो माहौल है उसको ख़राब करने की भी बड़ी साजिश है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो इस मामले की अब जांच पे जुड़ गई है। जो CCTV फुटेजेस हैं उनको खंगाला जा रहा है और फिलहाल जो ये जो स्लोगन्स लिखे गए थे इनको कुछ इस तरीके से सफेदी से साफ किया जा रहा है। कैमरामैन आदर्श के साथ वरुण जैन, ABP न्यूज़ दिल्ली। ये तो वरुण जैन की ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, क्या कहना है उनका ये भी सुनिए। G20 से कुछ दिनों पहले देश की राजधानी में प्रधानमंत्री के घर और कार्यालय से कुछ किलोमीटर दूर हाई सिक्योरिटी मेट्रो स्टेशन में घुसकर कोई नारे लिख जाए, राष्ट्र विरोधी नारे इस तरह का लिख जाए और न वो CCTV कैमराज में कैद हो पाए, न वो आदमी पकड़े जाए, ये सुरक्षा व्यवस्था की असलियत दर्शाता है। देश की राजधानी में यह हालत, दिल्ली पुलिस को आपने कहाँ व्यस्त रखा हुआ है हमें नहीं मालूम, CCTV कैमराज की क्या स्थिति है हमें नहीं मालूम। हमें ये मालूम है कि हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह के नारेबाजी कर रहे हैं लोग और बच के भाग भी जाते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा वो गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस कहाँ है और सवाल भी उठा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था पर। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।